अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे। जनाब मैं और नीना अम्मी की तरफ आए हैं और फरहान को नहीं पता कि हम अम्मी की तरफ आए हुए हैं। हैदर की तबीयत नहीं थी ठीक, तो भाभी ने ना कॉल की कि आप लोग ना आओ इधर, इजना को हैदर ना जो याद कर रहा है। तो मैं फिर जनाब निकल आई, कपड़े धोए हैं और मेरे मामा याना को पता नहीं है कि मैं इधर आई हुई हूँ। आज उनको हम देंगे सरप्राइज, देखते हैं फिर जनाब उनको ये सरप्राइज हमारा कैसा लगता है। उन्होंने हैरान हो जाना एक दफ़ा तो देख के हमें, तुझे इधर की कर दिया फिर दिया। मैं थक तो इतनी ज़्यादा गई थी, आना तो था ही, लेकिन हमने आना था जो मेरा हाथ वाले दिन, उस दिन लूडो मंगवाई। चलो ठीक है, तो वो फिर जो हैदर है ना वो बेचारा नहीं ठीक है, तो इस वजह से ना वो इतना कि याद कर रहा था। तो बस आते हैं फरहान, फिर मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ कैसा लगता है उनको। क्या हुआ हैदर को, बुखार हुआ? डॉक्टर क्या कह रहे थे, इंजेक्शन खा देना। इतना कोई याद कर रहे थे, ये देखो इजा आ गई है आपको मिलने। इजा वो इजना आ गई है मिलने। चलो आप खेल लो जाके, जूता पहनो और जाओ खेलो। चलो चलो चलो, जूता किधर है? हाँ चलो पहनो जाके। ओ जनाब सामने ऐसा, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ओ सामने खिलौने पे हैं, खिलौने ना खेलते पे हैं अपना। इसकी भी तबीयत नहीं ठीक है और अम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है। आपने देखा अम्मी सोई पड़ी है, अम्मी को कोई होश नहीं है कि मैं किधर हूँ किधर नहीं। अम्मी को नींद ही बहुत आ रही है आजकल ना, तबीयत नहीं ठीक है अम्मी की। रात भी कॉल की थी तो तब भी लग रहा था, अभी भी सोई हुई है, जब से मैं आई हूँ सोई ही हुई है अम्मी। आपके सामने ही हूँ। तू किधर 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 आए? हम अभी थोड़ी देर पहले ही आए। अच्छा क्या सरप्राइज दे हमने बंदे ने जाके? मैंने बोला था उनको नहीं पता है, हो गए ना एकदम से शौक में देख के। नहीं व्लॉग बना रही मैं ना गाइस को भी बता रही थी, मैंने कहा उनको नहीं पता है, देख के ना एकदम से हैरान हो जाना है मुझे। अम्मा जी की तबीयत ही नहीं ठीक, जो दिन में आई अम्मा सुते। पानी दो हाँ। अम्मा आए हैं तकरीबन, भाई छोड़ के गया 4:30 बजे। भाभी ने कॉल किए थे, भाभी कहती है हैदर सुबह से इतना को याद कर रहा है तो रोई जा रहा है, तो आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है हम आए। मैं कैमरा भी ऑन ही की घर है, मैंने कहा आने वाली है तो मैं ऑन करके रखती हूँ। गले मैं की बोली ऐसे, मैंने आज आपका नाम एक रखा है मामा यांडा। अल्लाह आज आपको पता है ना मैंने इनको कितना याद किया कपड़े धोते हुए, बड़ा ही याद किया कपड़े धोते हुए, बहुत याद किया सची। तो तब मैंने ना नाम रख दिया आपका मामा यांडा। मैंने कहा लोगों दिया मामा यांडा इन्निया इन्ना काम करवादियाँ, तो मेरी मामा यांडा भी बेचारी काम करती होनी है। तो पर तो दे दिया उनको सरप्राइज दिया, लेकिन सरप्राइज के बाद ऐसी बात उन्होंने मुझे बताई है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। बस आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक
हमें इस टेंशन से निकाल दे, वही ना, इस टेंशन से हमारी जान छुड़वा दे। इंशाल्लाह जब ये टेंशन से अल्लाह पाक हमें रिहाई दिलवाएंगे, मैं आपको बताऊंगी भी कौन सी टेंशन है कौन सी नहीं है। मुझसे यकीन करें, मुझसे व्लॉग भी नहीं बन रहा अब, तो बस आप सबने दुआ करनी है अल्लाह पाक ना इस टेंशन से ना रिहाई करवा दे हमारी। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बस अपने दुआ करनी है, दुआ में याद रखना है कि अल्लाह पाक जो टेंशन आई है ना हम पे वो ख़त्म कर दे। बस बड़ी टेंशन में हो आपकी बहन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बस आप सबने दुआ करनी है, ठीक है? फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना शेयर भी करूँगी कि कौन सी टेंशन थी। बस आप सब दुआ करें कि यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपकी मरीज टेंशन में है ना उस टेंशन को ख़त्म कर दे, ठीक है? ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।